बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं आपको मिस्टर फरूक डिलीशियस फूड में वेलकम करता हूँ। आज आप बना रहे हैं चिकन दम कढ़ाई। बनानी बहुत ही आसान है। जो चीज़ें चिकन दम कढ़ाई बनाने में यूज होंगी वो ये हैं: चिकन स्टिक्स, टमाटर पेस्ट कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, सब्ज मिर्च पेस्ट, दही बीट किया हुआ, काली मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, सफ़ेद जीरा, दादर, अजवाइन, हल्दी पाउडर, नमक और कुकिंग ऑयल। चले मज़ेदार सी कोला कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाह। कुकिंग ऑयल में प्याज को डाल के लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे चॉप कर लूंगा। आप चाहें तो चॉप कर लें, नहीं तो ऐसे ही अंदर चिकन ऐड कर दें। मैं चॉप करने के बाद आपसे मिलता हूँ। चिकन को अब हम फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। साथ इसमें नमक शामिल कर देते हैं, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। इन तीनों चीजों को डाल के आपने चिकन को फ्राई करना है। चिकन स्टिक्स हमारी फ्राई होना शुरू हो गई हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। मिलते हैं आपको 5 मिनट बाद। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम बाकी मसाला जार डालते हैं। टमाटर पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, सब्ज मिर्च चॉप, प्याज का जो हमने पेस्ट किया था वो शामिल करते हैं, सुरख मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, सफेद जीरा हमने दादर कर लिया था, अजवाइन पाउडर, दही बीट किया हुआ। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया। अब ये इस कंडीशन में आ गया कि इसे भुना जाए। अब इसकी हम भुनाई कर लेते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। ये हम बना रहे हैं कोयला कढ़ाई, और हमें यकीनन कोयले की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोयला मैंने ले लिया। अब इसको भी आंच चला दी मैंने पहले, इसको भी इसके ऊपर रख देते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाए और यहाँ पर हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह भुन जाए। कोयला हमारा पक चुका है। अब कढ़ाई के अंदर ना सेंटर में हमने जगह बना लेनी है। इस तरह ये आप देखिए, ये हमने अल्मोनियम फाइल की कटोरी बना ली है। कोयला उठा के रखेंगे इस कटोरी में। पर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे।
फ्लेम हमने इसका भी बंद कर देना है। ये देखें आप किस तरह अंदर भाप कट्ठी हो गई है। 5 मिनट के लिए हम कोयला अंदर आके से दम देंगे, फिर मैं टेस्ट करके बताता हूँ हमारी कोयला कढ़ाई किस तरह की रेडी है, क्या टेस्ट कोयले की वजह से अंदर कढ़ाई में आया। दम दिए हुए 5 मिनट हो गए, ढक्कन उठाते हैं और चेक करते हैं किस तरह की हमारी कोयला कढ़ाई रेडी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोयले को बाहर निकाल लेते हैं, कढ़ाई को गार्निश कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गार्निश हो गई है, मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि किस तरह की हमारी कढ़ाई रह गई। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आलही वसहबही वसल। घर की रोटी के साथ मैं कोयला कढ़ाई को टेस्ट करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें कितना अच्छा हमारा चिकन गल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेडी हुई है। आप इसे घर में बना के एक दफा जरूर ट्राई करें, आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि बहुत हमारी लाजवाब कढ़ाई तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।